आज हमारी हार्ले को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। फाइनली बाइक चलेगी अपनी। देखो ये सारी इंपॉर्टेंट ड्रिंक्स हैं, यहाँ से आप कोई भी इंपॉर्टेंट ड्रिंक्स ले सकते हो, यूएस, कनाडा, थाईलैंड। ये देखो जी, वाणी ने सुबह सुबह क्या कर रखा है। ये क्या कर रहे हो वाणी? ये सारा मेरा पर्स खलेर दिया तूने। अब कैमरा देख लिया, अब इनोसेंट बन के दिखाएगी। आ जाओ, ये क्या खा रहे हो? एप्पल खा रहे हो? केले केले मेरे को भी खिला दो। आज चलो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस जॉन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। कल रात को ना सीन हो गया, एक रात को मैं वीडियो अपलोड कर रहा था, वीडियो मेरी 47% पे हो गई थी और मुझे इतनी तेज वाली नींद आ रही थी ना, 3:30 बज चुके थे और लाइट नहीं थी रात को, और जो हमारा वाईफाई है ना वो इन्वर्टर पे नहीं है, तो इस वजह से वाईफाई बंद हो रखा था, फोन से ही वीडियो अपलोड हो रही थी, जिसके चक्कर में मैंने कहा चल 47% हो गई है, अभी थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी, अपने आप अपलोड हो जाएगी। मैं लगा के सो गया, और सोने के बाद जब सुबह उठ के देखा तो वीडियो अपलोड ही नहीं हो रखी थी। इतना गुस्सा चढ़ा ना, मैं कहा यार इतनी मेहनत करी, रात को 3:30 बजे तक जागना पड़ा और वीडियो हमारी लाइव ही नहीं हुई। शेड्यूल लगा के सो गया था मैं, बट लाइव हो ही नहीं पाई। तो ये जो आपने कल वीडियो देखी, ये 3 बजे इसलिए आई क्योंकि रात को ना वाईफाई की वजह से अपलोड ही नहीं हो पाई थी। वाणी हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो, एप्पल खिला दो सबको। आज वाणी का भी फास्ट है, कितनी शरीफ सी बन जाती है कई बार तो, इसको कोई लेना देना ही नहीं है। वाणी कह रही शरीफ किसको कह रहा है? वाणी कैमरा, कैमरा नहीं दिख रहा, चाहिए नहीं कैमरा? चाहिए, अब पता लगा इसको कैमरा है। आज मैं व्लॉग दूसरे कैमरे से बना रहा हूँ ना, तो इसको अभी पता चला कि भाई ये तो कैमरा है। चलो देखते हैं बाकी सब क्या कर रहे हैं। हाँ जी, क्या हो रहा है आज? तो फिर सबका फास्ट है। क्या आज हमारी हार्ले को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है, क्योंकि आज हमारी हार्ले जा रही है सेरेमिक कोटिंग के लिए। सो इस पे सेरेमिक कोटिंग करवा रहे हैं हम, आपने व्लॉग में देखा ही था, मैं जाके आया था वहाँ पे, तो आज भैया आ रहे हैं इसको घर पे लेने के लिए। सो इसकी सारी सेरेमिक कोटिंग हो जाएगी बढ़िया तरीके से, फिर देखते हैं कल इसकी कैसे लुक आई है। फिलहाल तो अभी थोड़ी देर में जा रही है, इसको मैं कोल्ड स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखो इंशु भी आ चुकी है अपनी हायाबुसा लेके। कहाँ गई थी तू हायाबुसा लेके? तेल भी डलवा लिया अगर इसमें? क्यों महंगा हो रहा है? किसके सारे चलती है? भगवान के सारे चलती है, ऐसा लगा मेरा मजाक। बाइक को कर देते हैं जी कोल्ड स्टार्ट। आवाज देखो कितनी ज्यादा लाउड है ना यार इसकी, आधे मोहल्ले को पता चल जाता है कि हमारी बाइक स्टार्ट हुई है, इतनी ज्यादा लाउड आवाज है ना इसकी। कम से कम भी 2-3 मिनट तो मैं अपनी बाइक को कोल्ड स्टार्ट रखता हूँ जब तक इसके आरपीएम नॉर्मल ना हो जाए। लो जी हमारी बाइक को लेने आ गए हैं, अभी बाइक हैंडओवर कर देते हैं उनको, आज अब बिना बाइक के रहना पड़ेगा कल तक। तो भैया लेके जा रहे हैं अभी बाइक को, तो भैया बस कर देना बढ़िया से, ठीक है? लो जी फाइनली बाइक चलेगी अपनी सेरेमिक कोटिंग होने के लिए। नहीं ये कैमरा तो आपने अभी देखा है ना, पहले तो आपने देखा ही नहीं था ये कैमरा। हाँ नहीं भाई नहीं मिलता, नहीं देखो मिलेगा नहीं, ये टूट सकता है, गिम्बल है वानी, नहीं ये नहीं मिलता। तो गाइस अभी आ चुका है हमारा व्रत वाला लंच, ये सुहाग के चावल, आई थिंक पता नहीं क्या कहते हैं इसको, सुहाग वहाँ पता नहीं क्या, मेरे को नाम नहीं पता। 2000 years later अभी टाइम हो गया जी 6:30, जिम जाने का टाइम हो गया है, जिम वगैरह जाके आते हैं आज, कल भी मिस हो गई थी जिम, बट आज भी थोड़ा आलस तो आ रहा है, बट जिम जाके ही आना है क्योंकि ना यार फिर ऐसे धीरे धीरे करके गैप डलता जाता है, फिर बॉडी उसी स्टेज पे आ जाती है जाना शुरू किया होता है हमने। A few moments later. So guys, आज फिर से जिम नहीं जाया गया मेरे, ना 2 दिन से यहाँ चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में ना कोई मसल पेन हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे वो किस चीज़ का पेन है, तो मैं अगर पुशअप्स वगैरह भी लगा रहा हूँ ना तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यहाँ पे। सो मेरे ख्याल से तो या तो कोई मसल वगैरह फट गया है तो वो अच्छे से रिकवर नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से ना आज फिर जिम नहीं गया, बट मंडे से पक्का जिम जाना है। और मैं सोच रहा हूँ मैं ना अपना जो शेड्यूल है वो सुबह सुबह कर दूँ, शाम को जिम जाया ही नहीं जाता, जितनी मर्जी कोशिश कर लो शाम को कोई ना कोई काम आ जाता है और आलस आ जाता है, तो सुबह सुबह की जिम शुरू करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, फिटनेस भी जरूरी है, अगर जिम शुरू किया ना तो मैं इसको छोड़ने तो वाला नहीं बिल्कुल भी, सुबह सुबह जाया करूँगा जिम, सुबह 7-8 बजे के बीच में भी चले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सुबह फ्री होता हूँ मैं, कोशिश तो यही है पक्का मंडे से जिम जाऊँगा। आज तो चलो नहीं गया, अभी फ़िलहाल देखते हैं थोड़ा बाहर कहीं जाके आते हैं, कुछ खा पी के आते हैं, सैटरडे आज। एक तो वाणी पोएम इतनी सीरियस होकर देखती है ना, हरकत अभी छेड़ दो ना इसको बस, ये देखो वाणी क्या कर रहे हो, पोएम देख रहे हो? देखो पोएम देख रहे हो, ये तो सीरियस होकर पोएम देखती है। One hour later.
तो गाइस पहुंच गए जी बर्गर किंग पे। ये खुला है अभी बर्गर किंग का, अंबाला मोड़ा में है ये। अंबाला हवेली से थोड़ी सी आगे आओ, साथ ही है एंडे प्लाजा के नाम से। यहाँ पे है हल्दीराम, सब्वे, स्टारबक्स, 24/7, बर्गर किंग, सारा कुछ है यहाँ पे। तो देखते हैं थोड़ा एक्सप्लोर करके क्या कुछ है यहाँ पे, क्या है खाने को। वैसे तो आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे झूले वगैरह लग रखे हैं। संडे को इंजॉय करना हो तो बढ़िया जगह है वैसे, ठीक लगा मुझे। खाने पीने का भी सिस्टम सही है यहाँ पे, सारी आउटलेट्स हैं। अभी आया था 24/7 में, मैं कहा चल मॉन्स्टर ही पी लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। वैसे तो सारी कुकीज़ वगैरह, बिस्किट्स वगैरह काफ़ी कुछ है यहाँ पे। सही है यार ये सिस्टम 24/7, मतलब रात को भी खुला रहता है, जो मर्जी ले लो यहाँ से, चिप्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे ना। काफ़ी नए नए फ्लेवर हैं यार, ये देखो ले लिए लेस सिग्नेचर, सही लगा मुझे। वैसे देखो ये सारी इंपॉर्टेंट ड्रिंक्स हैं, यहाँ से आप कोई भी इंपॉर्टेंट ड्रिंक्स ले सकते हो, US, कैनेडा, थाईलैंड, स्विट्ज़रलैंड, मलेशिया, हर जगह की ड्रिंक्स हैं यहाँ पे ना। सही सिस्टम है यार, बढ़िया लगा मुझे। तो जी ले लिया ये सामान, काफ़ी सारा मॉन्स्टर वगैरह और लेज वगैरह बढ़िया लगे मुझे। के लिए हमने मफिन, सही है यार वैसे टाइम पास करने को तो बढ़िया जगह है। अभी मफिन वगैरह खा के फिर चलते हैं बर्गर किंग, बर्गर किंग में भी कुछ खाएंगे, भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है। ना हमारे अम्बाला के पास ना कोई बर्गर किंग नहीं था, तो मेरे को बर्गर किंग के बर्गर ना जो सबसे बढ़िया लगते हैं, मतलब मेरे फेवरेट हैं। तो जीरकपुर में जब भी जाता था तो पक्का खा के आता था, क्योंकि जीरकपुर में ही है बर्गर किंग और कहीं पे है नहीं है। तो मैं सोच रहा था यार, मैं कहा अम्बाला में भी खुलना चाहिए, तो अम्बाला में ही खुला है। अम्बाला से ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर आगे ही है NDI प्लाजा, यहाँ पे बर्गर किंग भी है, स्टारबक्स भी है, हल्दीराम भी है, 24/7 भी है, बड़ी बड़ी 3-4 रेस्टोरेंट है यहाँ पे। सो बढ़िया टाइम पास होता है। अगली बार देखूंगा कृतिका को भी लेके आऊँगा, अभी तो मैं वैसे ही आ गया था, मैं कहा चले यार थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आते हैं। ये आ गए जी अपने बर्गर, अभी नवरात्रे हैं तो चिकन वाले तो खा नहीं सकते, इसलिए वेज मखनी लगवाए हैं। तो मुझे मॉन्स्टर पीने की इतनी गंदी आदत लग गई है ना, रोज़ एक मॉन्स्टर तो चाहिए ही चाहिए। जब नहीं पीता ना तो अजीब सा लगता है, या कुछ भी कहीं बाहर खाना हो ना तो पहले कोक पीता होता था, कोक अब छोड़ दिया, मॉन्स्टर ही हो तो ही मज़ा आता है खाने का, वरना आता ही नहीं मज़ा। अभी मुझे ये हो रहा था बर्गर किंग में पता नहीं अलाउड होगी कि आउटसाइड ड्रिंक्स या नहीं, पर मैं ले आया हूँ, साइड में बैठ के चुपके से पी रहे हैं, जब कोई टोकेगा तो फिर देखी जाएगी। चीटिंग करता है तू। तो जी निपटा दिए सारे बर्गर, मज़ा आ गया, पेट भर गया, घर जाके मैं तो नहीं कुछ खाने वाला। बढ़िया है वैसे, थोड़ी देर के लिए आना हो ना टाइम स्पेंड करने के लिए, बढ़िया जगह है। नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो हल्दीराम भी जाके आएंगे, कृतिका वगैरह को लेके आऊँगा, फैमिली को लेके आऊँगा। अभी तो चल वैसे ही आ गए थे घूमने के लिए। चलो जी अब चलते हैं घर पे। मैंने लेस तो ले लिया, पर मुझे बाद में याद आया आज कृतिका का ना व्रत है। मेरा वैसे फास्ट नहीं था आज, उन्होंने घर पे सारा फास्ट वाला सामान बना रखा था, तो फिर मैं भी वही, मुझे भी वही मिल रहा था खाने में, साग के चावल वगैरह ये सब, पर मेरा फास्ट नहीं था। सो अब वो चिड़ेंगे पक्का कि मेरा हमें क्यों नहीं लेके गया। A few moments later. तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं जी घर पे। ये देखो, ओए वानी, हाँ जी क्या हुआ? हाँ हेलो, हाँ जी टाइम कितना हो रहा है? अभी हो चुके हैं 10:19। ये देखो वानी आते ही मेरे को वानी ने पकड़ लिया। वानी चॉकलेट है, प्रोटीन बार है, खाओगे आप? लो टेस्ट करो, टेस्ट करो प्रोटीन बार, देखते हैं क्या बन रहा है घर पे। हाँ जी क्या बना रहे हो आज फिर, क्या है डिनर में? पकौड़े? इतना ऑयली हाँ, तो फिर बढ़िया बढ़िया सामान बना रहे हैं व्रत का। चलो मैं भी खाऊंगा। लो जी डिनर आ गया जी अपना बढ़िया सा। ये किसका है? अंशु का, तेरे तो व्रत वाला ना। चलो ये तुम्हारे साथ मेरी भी मौज लग जाती है, मुझे भी बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिल जाता है। व्रत की ना आइटम्स बढ़िया बनती हैं वैसे, ये पकौड़े बड़े अच्छे लगते हैं मेरे को व्रत में। ये किस चीज़ के होते हैं? संगाड़ा, मतलब मीन्स संगाड़ा के आटे के पकौड़े होते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज संगाड़ा। One hour later. क्या 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 भांग डाल ली तेरे पकौड़ों में? अच्छा तेरे सिर पे चढ़ के नाचूंगा। और फिर अंशु आज बताया मैं कहाँ गया था? आज मैं गया NDI प्लाजा, वहाँ पे मैं बर्गर किंग में खा गया 2 बर्गर, एक भी क्या है मॉन्स्टर, एक खा गया लेज यही वाला, और हाँ ब्राउनी खा गया, ब्राउनी बड़ा कुछ खा गया है। मज़ा आ गया आज तो भाई, कल देखेंगे किसी का चलेंगे कल बुरा मैं। चलो ठीक है, सो ये था जी आज का व्लॉग। होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी। बस ऐसे ही अपना प्यार बना के रखो और ऐसे ही हमारे व्लॉग्स को डेली आके देखते रहो। डेली व्लॉग सब आ रहे हैं रेगुलरली, और ऐसी बड़े बड़े व्लॉग्स हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। सो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सत श्री अकाल।